अस्सलाम वालेकुम चौधरी कॉस्मेटिक चैनल के साथ मैं हूं अबी लतीफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज आपको मेकअप के बारे में एक चीज़ बतानी है कि आप अगर कोई मेकअप खरीदना चाहते हैं तो उसकी बेसिक चीज़ें कौन सी होती हैं, क्योंकि यहाँ कस्टमर या शादी का सामान लेने आते हैं या वैसे जब आके पूछते हैं कि मेकअप का सामान चाहिए तो उनको बेसिक चीज़ों का ही पता नहीं होता कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। जो सबसे ज्यादा मेकअप में यूज होने वाली चीजें हैं आज मैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि आपको परचेज करने में आसानी हो और आपको पता हो आपने कौन सी चीजें यूज करनी है। वैसे तो मेकअप जो है वो शुरू होता है, मतलब आपकी मर्जी है कि आप अगर शादी का जो सामान है वो अगर आप तैयार करते हैं 10,000 में भी तैयार हो जाता है, 20,000 में भी तैयार हो जाता है, हत्ता कि वो 1,00,000 रुपए तक भी तैयार होता है। मतलब आपकी मर्जी है, जितना आपने उसमें बढ़ाना है उसको बढ़ा दें, जितना कम करना है उसको कम कर दें। जैसे कि अब टीवी पेंट स्टिक है वो एक स्टिक जो है 5,000 रुपए की है, उसमें जो कॉपी है वो 1,000-1,200 रुपए की है, या क्रिस्टाइन वगैरह किसी दूसरे ब्रांड की लेते हैं तो वो 1,000-1,200 रुपए की स्टिक मिल जाती है। इसी तरह आई शेड की वरायटी है, उसके बाद बेस है, बेसें ऐसी ऐसी हैं कि 10-10,000 तक की बेस होती है और वो नॉर्मल प्राइस में 1,500-2,000 की रेंज में भी बेस मिल जाती है। आज आपको मिस रोज का जो सबसे नॉर्मल ब्रांड है जिसका रिजल्ट अच्छा भी है और मुनासिब प्राइस में है, इसका आपको मेकअप दिखाता हूँ कि आपने सबसे ज्यादा जरूरी चीजें कौन सी हैं जो मेकअप में यूज होती हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो प्राइमर है, कि आपने प्राइमर लगाना होता है। इसके साथ ये है कि बेस जो है आपकी अगर इवन टोन नहीं रहती, आपकी बेस फट जाती है या उसमें थोड़ी देर के बाद क्रैक्स आ जाते हैं या उसके अलावा आपके पसीना वगैरह आता है तो आप किसी तरह से बेस नहीं बनती, तो आपने प्राइमर यूज करना है। सबसे पहले बेस जो है ना यहाँ से शुरू होगी, पहली बेस जो है वो ये प्राइमर है, मतलब सबसे नीचे आपने बेस से नीचे भी जो है ना ये लगाना होता है। प्राइमर के बाद आपको कंसीलर चाहिए होता है, अगर आपके डार्क सर्कल वगैरह हैं तो आपने कंसीलर यूज करना होता है, कोई निशान वगैरह है। उसके बाद आपको लिक्विड बेस चाहिए होती है, मिसरोज की ये लिक्विड बेस। ये मिसरोज का मैं सारा मेकअप आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल प्राइस में जो है उसका पूरा मेकअप में कौन कौन सी चीजें होती हैं। उसके बाद बेस के बाद फेस पाउडर है, फेस पाउडर का रिजल्ट बड़ा जबरदस्त होता है, ये फिनिशिंग के लिए होता है और आपकी स्किन जो बेस को इवन टोन करने के लिए। उसके बाद ब्लश ऑन की रेंज आ जाती है, ब्लश ऑन में ये मैंने 2-3 तरह के रखे हुए हैं कि एक ये मैट ब्लश ऑन अगर आपको चाहिए तो मिसरोज की ये वाले हैं, और अगर आपको शाइन ब्लश ऑन चाहिए तो फिर ये वाले हैं ये। उसके बाद आई शेड आ जाते हैं, आई शेड में इसकी बहुत वैरायटी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि ये आपको इन इन चीजों की जरूरत होती है। अब जैसे कि ये आई शेड में ये सबसे ज्यादा चलने वाली किट है इसकी। आई शेड के बाद आपको चाहिए होता है जी हाईलाइटर, हाईलाइटर आपको मिसरोज का ये बड़े जबरदस्त है, ये देखें इसमें 6 शेड है, ये हाईलाइटर की किट है। उसके बाद आपको टिंट की जरूरत होती है, टिंट अगर आप यूज करना चाहें तो आप मिसरोज का टिंट ले सकते हैं, इसमें एक ही कलर आता है। टिंट के बाद आ गया लाइनर मस्कारा, लाइनर मस्कारा भी मिसरोज का है, लाइनर आपको ये मार्कर लाइनर में भी है, दूसरा डिप लाइनर भी है और वॉल्यूम मस्कारा है। अब इसके लाइनर मस्कारे में भी काफ़ी रेंज है, 4-4, 5-5 लाइनर मस्कारे हैं इसके, अलग अलग हैं, कॉम ब्रश के साथ है, कोई हैवी ब्रश के साथ है, कोई वॉल्यूम मस्कारा है, कोई वाटर प्रूफ मस्कारा होता है। उसके बाद एक चीज़ इसमें लिपस्टिक है, फिर लिपस्टिक में 2 तरह की है, ये क्रेयोन है इसके, ये बड़े ज़बरदस्त हैं, और दूसरी लिपस्टिक इसकी जो सबसे ज़्यादा चलती है ब्राइडल में जो आपको शादी में यूज करने के लिए, ये वाली लिपस्टिक बड़ी जबरदस्त है। इसके साथ लिप लाइनर भी ऐड होता है कि आपको अलहदा से लिप लाइनर लेने की जरूरत नहीं है, ये दोनों चीज़ें एक साइड से लिपस्टिक होती है, एक साइड से ये लिप लाइनर होता है। उसके बाद 2 नेल पॉलिशें होती हैं, ये सबसे जरूरी चीजें ये है। एंड पे जो है आपने ये फिक्सर यूज करना होता है, पूरा मेकअप करके आपने उसको पक्का जो है ना वाटर प्रूफ करना है तो आपने इस पर ये स्प्रे कर देना होता है, ये मेकअप फिक्सर होता है। ये बेसिक चीजें हैं जी, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें जो हैं वो ये वाली हैं, ये पूरा मेकअप है। इसके अलावा आपकी मर्जी है, इसमें बहुत वैरायटी होती है, इसमें कंटूर किटें होती हैं, उसके बाद इसमें जो आईब्रो किट होती है, यानी कि बहुत कुछ है जो आप जितना इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीजें हैं वो ये वाली हैं। इनको आप परचेज करें तो आपका मेकअप हो जाता है, और आपने अगर घर में मेकअप करना है तो आपको सबसे बेसिक जो चीजें चाहिए होती हैं वो ये वाली हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आप इनको परचेज करें और ये मुनासिब प्राइस में है, बिल्कुल मुनासिब प्राइस में। जो इस टाइम ब्रांड चल रहा है वो ये मिसरोज का है, इसका रिजल्ट भी बड़ा जबरदस्त है और इसकी किसी किस्म की कंप्लेन नहीं है, चीजें भी सारी यूज होने वाली हैं। और फिर इसमें फिर कलर वगैरह भी आ जाते हैं, जैसे कि अभी ये फेस पाउडर है, फेस पाउडर में 1, 2, 3, 4, 5 तक इसके नंबर है। इसी तरह लिक्विड बेस है, लिक्विड बेस में इसके 10-12 शेड है, वो आपने फिर अपनी स्किन की अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कलर किस तरह का है, आपको बेस कौन सी सूट करेगी। इसी तरह जो इसका ये कंसीलर है, कंसीलर भी आपने बेस के हिसाब से चूज करना होता है कि आप ऐसा कंसीलर आपने लेना होता है जो आपके निशान वगैरह छुपाए, जिसका फायदा हो। तो ये सारी चीजें आज आपको बताने का मकसद ये था कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कौन कौन सी चीजें लेनी होती हैं,
अब घर में डेली रूटीन के लिए जो है ये सारी चीजें बेस्ट है, इनमें से आप चीजें परचेज करें और उस हिसाब से उसको यूज करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।